ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माघ अमावस्या या फिर मौनी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी, उसके खास उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, 9 फरवरी को है मौनी अमावस्या। जी हाँ, इस दिन आप कर सकते हैं खास उपाय। पितृदोष शनि दोष से आपको मिलेगी मुक्ति। जिन लोगों के पितृदोष चल रहे हैं या उन पर पितृदोष भारी हैं या फिर शनि दोष चल रहे हैं, शनि दोष भारी हैं, तो आपके लिए दिन काफी खास है। मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगी आज के इस वीडियो में। मेरा ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये काफी लाभकारी है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान का बेहद ही खास महत्व होता है। माघ महीने में गंगा स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, विशेषकर माघ महीने की मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन मुनियों का आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। अगर जातक इस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान करता है तो सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। इसके साथ ही पितृदोष और शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए देवघर के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं कि कब है मौनी अमावस्या और इस दिन क्या कर सकते हैं और इसका क्या महत्व है। देवघर के पागल बाबा आश्रम स्थित मुद्गल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंद किशोर मुद्गल ने लोकल, जहां पर वो रहते हैं, उनसे बातचीत करते हुए कहा है कि माघ महीने में मौनी अमावस्या के व्रत का खास महत्व होता है। वहीं 9 फरवरी को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जातक बिना कुछ बोले व्रत का पालन करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर जातक इस दिन गंगा किनारे पिंड दान करते हैं, इसके साथ ही साथ पीपल पेड़ पे जल अर्पण करते हैं और संध्या के समय दीपक जलाते हैं, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने से शनि दोष से छुटकारा भी मिलता है। दोस्तों, कब से शुरू हो रही है मौनी अमावस्या, चलिए इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी को सुबह 7:45 से शुरू हो रही है और समापन अगले दिन यानी कि 10 फरवरी सुबह 4:52 में होने जा रहा है। पूरा उदया तिथि 9 फरवरी को है, इसलिए 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या का गंगा स्नान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ 9 फरवरी को व्रत भी रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने मौनी अमावस्या की एक एक और संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आप पर पितृदोष है, अगर आपका शनि भारी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान करके इन दोनों दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको लाभकारी लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मेरा ये वीडियो साझा जरूर कीजिएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।